नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि आपका सारा जीवन ही शनिदेव की कृपा पर चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। साथ में इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तब इससे हमें प्रसन्नता मिलती है ये जानकर कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है और हम आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 दिसंबर 2020 मंगलवार के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए 8 दिसंबर 2020 का दिन कैसा रहेगा, क्या बड़ी घटनाएं आज आपके साथ आपके जीवन में घटने वाली हैं, किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है, क्या क्या उपाय हैं जो आज आपको करना बेहद जरूरी होगा, आपकी नौकरी करियर व्यापार पारिवारिक जीवन प्रेम जीवन आपकी शिक्षा आपका स्वास्थ्य आपकी आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव होंगे, सभी को जानेंगे विस्तार से। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो नीचे लाल बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो पर एक लाइक नहीं करा है तो एक लाइक कर दें ताकि आपका प्रेम हमारे साथ इसी तरह बना रहे। देखिए, हमारा ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि के आधार पर हम जानेंगे 8 दिसंबर 2020 मंगलवार का ये दिन आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आया है, क्या बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी, क्या क्या शुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं, सभी कुछ जानेंगे। दोस्तों, आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के ग्रह नक्षत्रों के बारे में। 8 दिसंबर को कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, प्रीति नाम का योग है जो आपके लिए बेहद भाग्यशाली रहेगा। चंद्रमा आज सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और ये गोचर होगा सुबह 7:30 पर, जब चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे जबकि सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। मित्रों, बात करें अगर आज के राहु काल के समय की तो ये समय होगा दोपहर 2:59 से लेकर शाम 4:20 तक का समय आपके लिए शुभ है। बात करें अगर आज के अभिजीत मुहूर्त की तो ये समय होगा सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:40 तक का समय आपके लिए शुभ है। इस समय आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। तो मित्रों, ये था ग्रह नक्षत्रों का हाल, इसी के आधार पर हम आगे जानेंगे आज का ये दिन आपके लिए कैसा रहेगा। और देखिए, कुछ सावधानियां भी हैं जिनको बरतना आज आपके लिए बेहद जरूरी होगा। तो वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें, एक सेकंड के लिए भी वीडियो को छोड़कर कहीं ना जाएं। चलिए बात कर लेते हैं यहां पर आपके राशिफल के बारे में। देखिए, चंद्रमा की स्थिति आपके लग्न में है और साथ ही एक तो ये सतर्क रहने की आवश्यकता आपको इस समय होगी। इसके अलावा देखिए, आज चंद्रमा आपको थोड़ा मानसिक परेशानी जरूर दे सकते हैं, जिसकी वजह से बेवजह की चिंता आपको हो सकती है। ऐसा नहीं है कि चिंता एक कोई बड़ी चिंता हो, परंतु छोटी मोटी चिंताएं आज आपको हो सकती हैं। इन चिंताओं से आज आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत से काम लें, धैर्य से काम लें, क्योंकि तुला राशि वाले किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होते, कठिन से कठिन समय का डटकर मुकाबला करते आए हैं। देखिए, इस स्थिति से बचने के लिए आपको अपनी स्थिति में सुधार लाना होगा और किसी भी तरह की नकारात्मकता से आपको खुद को दूर रखना है। इसके लिए आज अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ उठें बैठें, अच्छी बातें सोचें जिससे आप ऐसी चीज़ों से दूर रह सकें। नकारात्मक चीज़ों से आपको दूरी बनानी है, अपनी सोच को आपको सकारात्मक रखना है, इसलिए अच्छे लोगों की संगति में आपको रहना होगा। हालांकि देखिए, आपका जो मन है वो धर्म कर्म के कामों में ज़्यादा लगेगा, यानी धार्मिक कामों के प्रति आपका रुझान होगा और कुछ अपने परिवार के साथ आप अच्छे से समय बिताते हुए भी नजर आएंगे, परिवार में काफ़ी अच्छा माहौल होगा। साथ ही देखिए, पिछले समय से आपकी जो मौजूदा स्थिति चल रही थी तो उसमें अब आपके लिए काफ़ी परिवर्तन होने वाले हैं। साथ ही सरकारी दिशा निर्देश हैं उनका पालन भी आप ठीक तरह से आपको करना होगा, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और देखिए, सभी के साथ आपके जो संबंध हैं, वो रिश्ते हैं, उसमें अब अच्छे से मेलजोल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, रिश्तों में ठहराव आएगा, सामंजस्य बनेगा। देखिए, ये जो चंद्रमा की स्थिति होगी कुछ चीज़ों में आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी। और अगर हम बात करें आपके पारिवारिक जीवन की तो देखिए, परिवार में खुशियों का माहौल सा बना रहेगा और परिजनों दोस्तों के साथ काफ़ी अच्छा समय आप इंजॉय करते हुए नजर आएंगे। साथ ही इस समय आपके घर परिवार में कोई नया व्यक्ति भी आ सकता है जिसके स्वागत के लिए आपको तैयार रहना है।
और आप उनके साथ काफ़ी अच्छा समय भी बिताने वाले हैं। लेकिन देखिए, थोड़ी सी सावधानी है जो बरतना आपके लिए ज़रूरी होगी। किसी बात को लेकर उनसे वाद विवाद भी हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। बाकी घर के सारे काम जो होंगे, जिनकी वजह से आप देखिए आपके ऊपर काम काज का आज बोझ रहेगा। हालांकि हर तरह से जो घर की सारी गतिविधियां हैं वो आपकी सकारात्मक रहेंगी, इसलिए अपने सभी कामों को आप ठीक से पूरा कर पाएंगे। मित्रों, अपनों के साथ रहने का मजा लें और साथ ही काम को भी इस समय पूरा करते चलें। पूरी कोशिश करें अपने काम को समय पर पूरा करने की। घर के बाहर और घर के अंदर के दोनों ही कामों में आज आपको संतुलन बनाकर चलना होगा, तभी आप अपने समय को एक नई दिशा दे पाएंगे। इसके अलावा देखिए, आज आप सबके साथ मिलकर अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आप एक दूसरे के साथ मधुर संबंध बनाने में समय लगाएंगे तो देखिए इससे आपको अच्छा फायदा होगा। खास तौर से अगर आप व्यापार करते हैं, चाहे छोटा व्यापार हो या बड़ा हो, तो ऐसे में आपको ज़रूरत होगी कि आप लोगों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना कर रखें, जो आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसे न केवल आप आसानी से अपने कामों को निकलवा पाएंगे, बल्कि आज आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और मधुरता आने की वजह से आपको अच्छे कामों को मिलने का मौका भी मिलेगा। देखिए, ये जो समय है कार्यकुशल प्रदर्शन दिखाने का है और आपकी कार्यकुशलता के चलते इस समय आपको सम्मानित भी किया जा सकता है, क्योंकि देखिए चंद्रमा यहाँ आपके भाग्य भाव में है, आपके भाग्य को मजबूत कर रहे हैं, तो भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। और वैसे भी भाग्य भाव में जब चंद्रमा होते हैं तो भाग्य के अनुरूप ही आपको फल देते हैं, कर्म के अनुरूप फल देते हैं। यहाँ आपकी जो मेहनत है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी और आप लगन से काम करते हुए दिखाई देंगे, जिसका फल भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मित्रों, अगर आपको किसी काम की प्रशंसा मिले तो उस प्रशंसा को अपने सर बिल्कुल ना चढ़ने दें, क्योंकि अगर आप सफल रहे तो उससे आप लाभ कमाएं, इसे आप अपने सर पर ना चढ़ने दें। अपने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए सफलता का प्रयोग करें। फिर देखिए, आप देखेंगे इस समय आपका जो बॉस है वो आज से ही आपके साथ काफ़ी खुशी रहना पसंद करेगा। अपने बॉस को खुश करने में आप कामयाब भी होंगे। मित्रों, अगर हम बात करें आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में, तो ये जो समय है ये दूसरों की सहायता करने का समय है, तो दूसरों की सहायता भी आप यहाँ पर करते नजर आएंगे। देखिए, कर्म के काम करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा शनिदेव, क्योंकि जब आप कर्म करते हैं तो इसका फल आपको जरूर देते हैं। अगर आप किसी सरकारी काम से जुड़े हैं तो वहां आपके लिए कुछ अच्छी उपलब्धियां देखने को मिल सकती हैं। अपने कठिन परिश्रम से अपनी आय को आप एक बार फिर से बढ़ा सकते हैं, जिसकी खुशी आपको जरूर होगी। इसके अलावा आज आपके अधिकारियों की धारणा भी आपके लिए बहुत अच्छी बन सकती है, इसलिए आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। हालांकि भाग्य का पूरा सपोर्ट आपके साथ होगा, लेकिन फिर भी इस समय आपको परिश्रम करने हैं, मेहनत करनी है। भाग्य के भरोसे इस समय आप बिल्कुल भी ना बैठें तो आपको आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, अपने व्यक्तित्व के जरिए कुछ नया करने की कोशिश करें, आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। बात करें अगर आज के प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन के बारे में, तो देखिए किसी भी रिश्ते की शुरुआत करने से पहले आप उसकी सच्चाई जरूर जान लें। अगर आप कोई नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं तो उसके बारे में सोच विचार लें, ऐसे ही किसी की तरफ आकर्षित ना हो। देखिए, किसी कोई आपको पसंद आता है तो उसकी सच्चाई जान लेना आपके लिए पहले जरूरी होगा, उसके बाद ही आगे बढ़ें, क्योंकि इस प्रकार आप सेफ रहेंगे। आपको हर चीज़ में सबसे ज़्यादा धोखा इसीलिए मिलता है क्योंकि आप हर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, और फिर वही व्यक्ति आपके भरोसे को तोड़कर चला जाता है, आपके साथ विश्वासघात करता है। बात करें अगर विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। इस समय आप परिश्रम को जितना तेज कर दें उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आपने अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, तो देखिए इस समय अगर आप रोजगार की खोज में हैं तो ये खोज आपकी समाप्त होगी। इस समय आपको कोई नौकरी मिल सकती है। अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया था तो वहाँ से कोई खुशी का समाचार मिल सकता है, आपकी नौकरी लग सकती है। इसके अलावा अगर आप विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं तो विदेश से भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट इस समय आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी व्यापार करते हैं तो इसमें आपको कई गुना लाभ की प्राप्ति आज होती हुई आपको दिखाई देगी। तो मित्रों, काफ़ी अनुकूल यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बनी हुई है। पैसे का लेन देन करते समय आपको आज सावधान रहना होगा। चलिए बताते हैं आज का विशेष उपाय। मित्रों, प्रातःकाल स्नान करने के बाद एक चुटकी स्नान करते समय आपको एक चुटकी हल्दी पानी में मिलाकर स्नान करना है। इसके बाद 108 मरतबा ओम नमः शिवाय का जाप करें। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें, साथ में कमेंट बॉक्स में शनिदेव का
आशीर्वाद लेने के लिए जयशनी देव जरूर लिखें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।